नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास और आज हम मौजूद है झंझारपुर, जहां पर हम बात कर रहे हैं आज जन सुराज के पीके यानी कि प्रशांत किशोर जी से। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आज जन सुराज के पीके यानी प्रशांत किशोर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें झंझारपुर के लगभग सभी पत्रकार शामिल रहे। मैं आपको बता दूं, उनका मुख्य उद्देश्य जन सुराज की जो पद यात्रा है उनके मुख्य उद्देश्य और खासकर उन्होंने बहुत सारे बिंदुओं पर बातें की। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर पद यात्रा का क्या उद्देश्य है और उन्होंने अपने 15 महीनों की इस पद यात्रा का उद्देश्य बताया और साथ साथ कई ऐसे बिंदुओं पर प्रकाश डाला जो आप देखें उन्होंने क्या कहा। हैं पिछले वर्ष 2 अक्टूबर गांधी बितियरवा आश्रम से पश्चिम चंपारण से जो जन सुराज अभियान के तहत ये पदयात्रा हम लोगों ने शुरू की है उसके तहत आज करीब करीब 15 महीने होने को आ गए। पिछले 15 महीनों में हम लोगों ने पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी होते हुए मधुबनी पिछले करीब एक महीने से हम लोग यहाँ पर हैं। आने वाले 10, 12, 15 दिन अभी और मधुबनी में रहूँगा। 29 तारीख को यहाँ से हम लोग दरभंगा पहुँचेंगे, दरभंगा जिला में इंटर करेंगे। पदयात्रा के दौरान जो अनुभव रहे हैं वो हम लोग प्रखंड के स्तर पर, जिले के स्तर पर जब पत्रकार बंधुओं से मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, मधुबनी को लेकर जो हमारी अपनी सोच है, जो हमने देखा यहाँ पंचायतों में, ब्लॉक में, अभी करीब 8 ब्लॉक और बाकी है उसकी भी पदयात्रा पूरी होगी, तो सब एक साथ मधुबनी में जब एक बार इसकी प्रेस वार्ता करेंगे तो मधुबनी के पंचायतों की स्थिति, प्रखंडों की स्थिति, यहाँ के विशेष विषय जो हैं वो अलग से बताएंगे। अभी मैं आपको एक जनरल पदयात्रा के उद्देश्य क्यों किया जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य है और मोटे तौर पर हम लोगों ने बिहार में अभी तक क्या देखा उस पर एक टिप्पणी करूंगा, उसके बाद आपके प्रश्न हम ले सकते हैं। पदयात्रा के मूलतः 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है कि बिहार में जो बदहाली है, गरीबी है, पिछड़ापन है, इसकी मूल में हमारी समस्या यहाँ ये है कि लोग जिन समस्याओं से बरसों से जूझ रहे हैं, पीड़ित हैं, वो उन समस्याओं के बारे में जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि इसके लिए दोषी कौन है, क्या करने से ये सुधार हो सकता है, लेकिन ये सारी बातों की जानकारी होने के बावजूद यहाँ के लोग अपनी समस्याओं पर वोट नहीं करते हैं। 5 साल वो समस्याओं से जूझते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उस पर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, लेकिन जब वो वोट करने जाते हैं तो वोट अपनी समस्याओं को छोड़कर अपनी जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर या लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते हैं। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि समाज को पहले इस बात के लिए समाज में चेतना जगाई जाए, उनको ये समझाया जाए, सिखाया जाए कि जब तक आप अपनी और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं करेंगे, अपनी समस्याओं के लिए वोट नहीं करेंगे, तब तक आप वोट चाहे जिस किसी भी दल, जिस किसी नेता को दे दीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। लोकतंत्र में आप किसको वोट देते हैं इससे ज़्यादा जरूरी ये है कि आप किस बात के लिए वोट देते हैं। तो पहला जो पदयात्रा का उद्देश्य है कि गांव-गांव जाएं और छोटी छोटी सभाएं करके लोगों को बैठाकर रोड के किनारे, नुक्कड़ सभाओं में, उनके घरों पर, विद्यालयों में जाकर ये समझाया जाए कि भाई बिहार की दुर्दशा को अगर सुधारना है तो कम से कम एक बार आप ये संकल्प लीजिए कि अगली बार जब आप वोट देंगे तो वोट किसी दल, जाति, नेता के आधार पर नहीं, वोट आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए देंगे। और वो काम हम लोग कर रहे हैं, 4000 से ज़्यादा गाँवों में जाकर मैंने इस तरह की सभा खुद से आयोजित करी है, खुद से मैंने कंडक्ट किया है। दूसरा पदयात्रा का उद्देश्य है कि लोग ये बताते हैं कि अगर भाई हम लोग वोट अच्छे आदमी को देना भी चाहें तो विकल्प हमारे पास है कहाँ, यहाँ तो सिर्फ 2 ही दल है और दोनों दलों को लोगों ने हर तरीके से जांच पर रख लिया है, तो विकल्प के अभाव में मजबूर। वो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य है कि पदयात्रा के दौरान समाज की मदद से, समाज से सलाह मशवरा करके ऐसे सारे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए जो ये समझते हैं कि बिहार में एक नए दल, नए विकल्प की ज़रूरत है और उसको बनाने में भागीदार बनना चाहते हैं, उसके संस्थापक बनना चाहते हैं, बनाने वाला बनना चाहते हैं। और तीसरा जो पदयात्रा का उद्देश्य है कि अगर समाज सही लोगों को वोट करने को मुद्दों पर तैयार हो जाए, उनके सामने एक बेहतर विकल्प हो, वो चुनकर आ भी जाए, तो भी बिहार के विकास के लिए ज़रूरी है कि जो लोग चुनकर आए उनके पास बिहार के विकास की एक सोची समझी योजना हो।
तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य यह है कि बिहार के 8,500 से ज़्यादा पंचायतों का अलग अलग आने वाले 10 वर्ष में कैसे उसका विकास होगा उसकी योजना भी बनाई जाए। हर पंचायत में एक अपनी समस्या है, कहीं रोड नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं अस्पताल नहीं है, कहीं विद्यालय नहीं है। इन सारे विषयों का अध्ययन करके हर पंचायत का एक अलग से योजना बनाना, और ख़ास करके 3 बिंदुओं पर कि हर पंचायत में बच्चों को पढ़ने के लिए विश्व स्तरीय अच्छी व्यवस्था कैसी बनाई जाएगी। दूसरा, हर पंचायत में 800 से 1,200 रोजगार के नए अवसर कैसे पैदा किए जाएं। और तीसरा, हर पंचायत में जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं उनकी खेती को खाने वाली खेती के बजाय कमाने वाली खेती कैसे बनाया जाए। तो ये योजना भी पदयात्रा के दौरान मैं बना रहा हूँ। ये 3 उद्देश्य हैं, लोगों को समझाना, जगाना, प्रेरित करना कि वो अपने समस्याओं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। दूसरा, मजबूरी में किसी गलत आदमी दल को वोट ना करना पड़े इसलिए एक नया दल बनाकर नया विकल्प उनके सामने देना। और तीसरा, एक सोची समझी योजना जो जमीनी हकीकत को देखकर जानकर लोगों से राय मशवरा करके साथ में दुनिया भर के विशेषज्ञों की राय को जोड़कर बनाई गई हो इस योजना को बनाना। और इसी के तहत करीब करीब अभी हम लोग 40-45% बिहार की पदयात्रा पूरी कर चुके, 40%, और आने वाले साल 1.5 साल में बाकी की जो बिहार की जो पदयात्रा जिन एरिया में बचा हुआ है उसको पूरा करेंगे। उसके बाद ही ये तय करेंगे कि आगे दल कब और कैसे बनाना है और आगे ये विकल्प के तौर पर आपके सामने कब आएगा। अब आप तो उम्मीद करता हूँ मित्रों, इस तरह के वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और यदि आपने खबर आसपास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, क्योंकि इस तरह की जानकारी हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और राजनीति से संबंधित लगातार खबरें आप खबर आसपास के पोर्टल पर देख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली ऐसी खबरों में, तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मित्र।